Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने उनकी टोपी पर तंज कसा था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि जो लोग उनकी और उनकी पार्टी की लाल टोपी का आलोचना कर रहे हैं उन्हें खुद भी एक टोपी की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा की लाल टोपी लाल है और कारनामे उसके काले हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थकों से मिलने और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने आए कन्नौज अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि लाल रंग भावनाओं का रंग है, लाल रंग देवी दुर्गा का रंग है। एक टुडे इंडिया टुडे का रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वे हमारी टोपी का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर भी हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे बाल तो पूरे हैं, इसलिए हम टोपी पहन रहे हैं। जिनके बाल ही नहीं हैं उन्हें भी टोपी पहननी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मिली हार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं और बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां की भी आलोचना की और कहा कि अगर उनके मन में किसी विदेशी मुद्दे को लेकर कुछ है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से बात करनी चाहिए। दरअसल वे सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर यादव ने कड़ा रुख अपनाया और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी का कौशल जनगणना की चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा को इस मामले में चालाकी करने से आगाह किया। उन्होंने जातियों की गणना और सभी समुदायों के अधिकारियों और सम्मान को सुरक्षित करने की वकालत करते हुए कहा कि जाति जनगणना का मतलब जाति जनगणना है। बाकी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टोपी वाले बयान का पलटवार किया है उस पर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।